3 लाख तो दे चुका हूँ, अब और कितने पैसे? कम से कम 5 लाख का और जुगाड़ करना होगा तुझे। 5 लाख? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? मुझे नहीं मालूम, चोरी कर, टाका डाल, भीख मांग, कुछ भी कर, लेकिन जब तक तेरा 5 लाख नहीं आएगा, तेरा वीजा नहीं आएगा, समझा? देखो, 3 लाख के लिए मैं ऑलरेडी अपने आजी के गहने बेच चुका हूँ, अब और क्या बेचूं मैं? एक आइडिया है, सरलावाड़ी चौल में तेरा रूम है ना, उसके कागज मेरे पास गिरवी रख दे, तेरा काम हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो जब तक पैसा जमा नहीं होता अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। अरे पर मैं आपको पैसे दे चुका हूँ। ये क्या हो रहा है? ये गोलियों की आवाज? ये निकल यहाँ से, निकल। ये गोलियां कौन चला रहा है? ए शालपति मत कर, निकल जल्दी से यहाँ से। ये गोलियां क्यों चला रहे हो भाई? वो दीपू बैग लेके भाग गया। अबे तुम लोग क्या कर रहे थे? देखो किसी भी हालत में दीपू इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जाना चाहिए, समझे? दीपू तू यहाँ क्या कर रहा है? ये खून ले, ये बैग ले, जल्दी और भाग। पर तू तो दुबई में था ना, वापस कब आया तू? पर ये सब क्या है दीपू? सवाल मत पूछ, जैसे कह रहा हूँ वैसा कर, बैग ले जल्दी, प्लीज मेरे भाई भाग। दीपू, 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 दीपू उठना, दीपू, दीपू उठना, दीपू, दीपू उठना, दीपू। गुड मॉर्निंग बोला भाई। अनिल भाऊ सुप्रभात बोल के भाई। सुप्रभात भाई, सुप्रभात। हाँ। अरे विजू भाऊ नमस्कार। अरे विजू मेरे को देख के नजरें छुपा रहे थे। नहीं भाऊ, मैं ऐसे क्यों करूंगा? हाँ अच्छा सुन, आज रात को सभी चाल वाले मेरे घर पे आ रहे फिल्म देखने। वो क्या है, अपन ने नया टीवी लिया है ना, ये 55 इंच का। हाँ तो तू भी जरूर आना। हो नक्की दिए तो रे घाबरा घर को दिसतोस, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कुछ नहीं, वो क्या ना कि कल से सोया नहीं हूँ, काम बहुत ज्यादा था म्हणून असं वाटत असेल। अच्छा ठीक है चल अभी चल। हाँ काका संध्याकाळी यायचं। अरे विजू कहाँ था रे तू कल रात को? मैंने पूरन पोड़ी बनाई थी तेरे लिए। संध्या ताई कल एक जरूरी काम आ गया था इसलिए जाना पड़ा। अच्छा अपनी संध्या ताई की पूरन पोड़ी से भी ज्यादा जरूरी काम आ गया? अरे ये बैग में क्या है? वो मैं दोस्त का सामान है, वो शिफ्टिंग कर रहा है ना, तो कुछ दिन के लिए सामान यही रख रहा हूँ, फिर लौटा दूंगा। अच्छा अच्छा पन ते लाल लाल काय ते बैग वरती? वो दोस्त शिफ्टिंग कर रहा है ना, तो पेंट का लग गया होगा। ओ अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। बरा ये तुम्ही जी। एक मिनट
जी। अरे कहाँ रे, कहाँ चल रहे हाँ? और कहाँ था तू रात भर? तुम्हारी चिंता से मुझे नींद नहीं आई मालूम है। अजी वो कल मैं मुकेश के यहाँ पे था ना, और बात करते करते आँख कब लग गई, मलस नहीं करने लगा। तो रात को फोन क्यों नहीं किया? फोन की बैटरी लो थी ना, स्विच ऑफ हो गया था। वाह वाह, मूर्ख बनो तो क्या वाला हाँ? उसके पास चार्जर नहीं है क्या? ओ अजी कितना डांटोगी, डांटती रहोगी या कुछ खाने को भी दोगी? तुम्हें पता है पेट में ना हाथी के साथ चूहे डांस कर रहे हैं। पोहे बनाए मैंने, मस्त कांदा पोहे। तू हाथ पाए धूनिए, मैं परोसती हूँ। दादा हा? हा? आज शाम को मेला देखने जाएंगे ना? हाँ स्कूल के बाद मैं लेने आता हूँ तुझे। थैंक यू दादा। अजी मैं चल ले मैं चाली शायद डब्बा बराबर से खाना हाँ, काई टाकायचं नाही, मारे पसंद की सब्जी बनाई है। आप लोगों की हिम्मत कैसे होगी दोबारा हमारे चौल में कदम रखने की? अजी अजी थाम, अजी मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए ना सिर्फ मैं आपको आपके कमरे के 15 लाख रुपए दूंगा, बल्कि एक 2 कमरे का फ्लैट भी दूंगा, और वो भी सस्ते में। 2 कमरों का फ्लैट? जी हाँ मीना जी, 2 BHK फ्लैट कहते हैं उसे। बस इस कागज पर आप साइन कर दीजिए और कदम रखिए सुनहरे भविष्य को। हाँ और इनसे ये भी पूछ लीजिए कहाँ दिलवाएंगे फ्लैट, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। अरे हम लोग अपना इलाका छोड़ के जाएंगे क्या, बोलो? नहीं जाएंगे। अरे अनिल दादा आप काम गर्म हो रहे हो, पहले इनका ऑफर तो सुन लो। अरे ऑफर नहीं है, साजिश है, साजिश, हमें हमारे ही घरों से निकालने की साजिश। लेकिन अनिल जब तक जिंदा है ऐसा कुछ नहीं होगा। ऊपर देखो, इधर ऊपर देखो, इधर इधर। अजी भगाना क्या बोलते हो? तेरे को मना किया था ना इधर आने के लिए, तुला कहत नहीं है गपरे, तुला कहत नहीं क्या हाँ इकड़े ऐसे नहीं, तुम्हारे भेजे में कुछ जाता नहीं है क्या? अरे आजी हम तो आप ही के फायदे की बात कर रहे हैं। जिंदगी सबको बड़ा बनने का एक मौका जरूर देती है। अच्छा और अब आप लोगों की बारी है, अब इस मौके को ऐसे लात मार रहे हो आप? मौके को लात नहीं मार रहे, लेकिन तुम लोग अगर कुत्ते की दुम की तरह टेढ़े रहोगे तो हम सब लोग तुम्हें यहाँ से लात मार के भगाएंगे। चलो निकलो। हाँ, जरूर लात मारेंगे, चल यहाँ से। अनिल तू घाबरू नको ना, आम्ही आओ तुझा बरोबर। हाँ काही घाबरायचं नाही। अजी जाऊ दे ना। अरे घाबराय ए तू सुन, ये ही चाळ आहे ना चाळ, ही चाळ म्हणजे काय दगड आणि माती नाही आहे आमच्यासाठी। हाँ अरे ही आई है, आई आमच्यासाठी। हाँ समझ गए क्या, ये माँ है, यहाँ सबका बचपन गुजरा है, यहाँ सब बड़े हुए है, तुझे पता भी है। ए इकड़े बघ, तुला माहिती आहे का यहाँ पे लड़कियाँ शादी करके आई और बूढ़ी हो गई है, हमारी माँ को हम बेचेंगे क्या पैसे के लिए? छुट्टे रे। ए सुन, तेरा ये जो 2 करोड़ का ऑफर है ना कबूतर खाने का, वो किसी और को देना, चल अभी फुट यहाँ से। अरे जब तक आप लोग दिल से सोचोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे, अमीर होने के लिए दिमाग से काम लेना पड़ता है। अरे सुनो, छोड़ूंगा नहीं इस चाल को, किसी भी कीमत में हासिल करके रहूंगा। गोली मारी है। एग्जिट रूम नहीं है, मतलब गोली अभी भी अंदर है। कुछ आईडी वगैरह मिला? नहीं सर, इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इसकी पहचान हो सके। सर ये निशान कैसा मार के एकदम सीधा, जैसे बेल्ट से मारा हो। सर आश्रय, सर ये देखिए खून से सने हुए हाथ का निशान है यहाँ पर, और सर ये बुलेट शेल मिला है उस तरफ। शायद उन्हें वहां पे गोली मारी और वो भागता हुआ आया होगा, दीवार पे हाथ लगा और वहां जाके दम तोड़ दिया। पिंट उठा लो, पता चल जाएगा कि लाश का है या किसी और का है, खूनी का। सर एक और बात, ये लेदर का टुकड़ा मिला, इस पर भी खून लगा हुआ है।
खून? सर ये टुकड़ा किसी लेदर जैकेट का हो सकता है, कहीं खूनी का तो नहीं? बैग का भी हो सकता है, वो लाश के कंधे पे यहाँ निशान था ना पट्टे जैसा, ज्यादा देर तक बैग लटकाया जाए तो ऐसा निशान आ जाता है। सर अगर बैग का निशान है तो फिर बैग कहाँ है? सर कहीं ये खून उस बैग के लिए तो नहीं किया गया? हो सकता है। एक भी अच्छी खबर छपती नहीं आजकल अखबार में, इंडिया में आज हार गया, कहीं किसी ने घपला कर दिया, कहीं खून हो रहे, कहीं महिलाओं पर अत्याचार हो रहे। अरे अरे ये 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 क्या हुआ? क्या हुआ काका? ये अपना दीपू है ना? ये तो अपना दीपू है। क्या हुआ अपने दीपू को? अपना दीपू मर गया संध्या। क्या? सीआईडी को उसकी लाश मिली है। क्या? अपना दीपू? मगर दीपू तो दुबई में था। हाँ कैसे? फिर यहाँ कैसे मिली उसकी लाश? लेकिन अब ये खबर उसकी माँ को कौन देगा? हाँ ये खबर उसकी माँ को कौन देगा? दीपू के लिए मफलर बना रही हूँ। सर्दी अभी शुरू होने वाली है और अगले महीने दीपू भी आने वाला है। चांगला दिसेल ना हा कलर दीपूला? अज्जी क्या हुआ, रो क्यों रही हो? काय झालं अज्जी? आप और ये सब लोग, कुछ हुआ है क्या? दीपू चाहिए। हाँ हाँ या ना, आइए आइए आइए। या काय झालं, काय झालं आजी? कोई कुछ बोला आपको? मुझे बताओ, मैं देखती हूँ एक एक को। बोलो, किसी ने कुछ कहा आपसे? कविता। हाँ जी। अपना दीपू, दीपू को कुछ हुआ है क्या? हम सबको छोड़कर चला गया। अज्जी कुछ भी क्या बोलते रहते हो आप? हाँ और क्या आप लोग भी सब ऐसा बोलते रहते हो, पूरे चाल वाले ऐसे? दीपू आप सबका लाड़का है ना, आने दो दीपू को, मैं आप सबका नाम बोलूंगी, सबकी शिकायत करूंगी दीपू से। ऐसा बोलता का तुम्हें दीपू बदल? वो हम सबको छोड़कर चला गया। काय आजी पुनः पुनः तेज? देखो कविता संभालो खुद को। कविता दीपू संभालो, देखो जी, आजी मेरा दीपू। देखो देखो संभालो, संभालो अपने आप को, सांभाळ स्वतःला, असं करून कसं चालेल? मॉर्निंग सर। आ गए आप लोग? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्रद्युमन नहीं है? प्रद्युमन सर वो बस 5-10 मिनट में आ रहे हैं। ओ हाँ, तब तक बताइए कुछ, लाश के साथ कुछ गपशप हुई क्या? हाँ लाश के साथ तो मेरी हमेशा ही गपशप होती है। पर एक काम करते हैं, प्रद्युमन को आ जाने देते हैं, फिर बताता। अच्छा ठीक है, फिर चलिए तारिका जी बाहर चल के कुछ चाय वाय पी के आते हैं। चले चलिए चलिए। ए भाई साहब,
तारिका अभी चाय पीने के लिए नहीं जा सकती है। क्यों 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 क्यों? ये इसके काम का वक्त है, फॉरेंसिक लैब है ये। और तुम जानते हो ना, तुम तारिका के बॉस के सामने खड़े हो, अंडरस्टैंड? अरे सर, लेकिन आप कुछ बता भी नहीं रहे, तब तक हम लोग क्या करें? क्या करें? अरे बोला ना, बताऊंगा। प्रद्युमन को आ जाने दो। मतलब आपको लाश के बारे में कुछ खास पता है नहीं सर? हेलो, आप टाइम पास कर रहे हैं। मुझे हर लाश के बारे में पता होता है, इस लाश के बारे में भी एक एक बात पता है मुझे, समझे? अच्छा हाँ, तो ठीक है, ये बताइए कि मरने से पहले दीपू कौन सी जगह से आया था, कहां से आया था? शर्त लगाइए सर, अगर तारिका के बॉस में हिम्मत है तो शर्त लगाइए, मरने से पहले दीपू कौन सी जगह से आया था ये बताइए तो सर मैं आपको 20 मतलब 10,000 रुपए दूंगा आपको। 10,000 सर, 10,000। सर ये क्या कर रहे हैं सर आप? आपको नाखून वाला केस याद नहीं है, जिसमें सालू के सहने से एक कटी हुई उंगली से पूरा केस सॉल्व कर दिया? सर यहाँ तो पूरी की पूरी लाश है सर। सर सोच लो एक बार। अरे यार वो अलग केस था, ये अलग केस है। बता रहे हैं या जाऊं चाय पीने? अभिजीत। अरे देखो तारिका जी, प्लीज 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 आप बीच में मत आइए, ये आपके बॉस और हमारे बीच की बात है, आप इन्हें बचाने की कोशिश मत करिए, ये वैसे ही बहुत परेशान करते हैं मुझे, प्लीज। अरे नहीं, 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 नहीं। अभिजीत, इस आदमी की उम्र है 25 से 26 साल, इसका रंग सांवला है और इसका कद है 5। नहीं 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 सर 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 सर, ये सारी बातें हमें पहले से पता है, आप उस सवाल का जवाब दीजिए जिसके बारे में शर्त लगी हुई है। अभिजीत, ये आदमी आया है दुबई से। हाँ? दुबई से आया है ये आदमी, दुबई से। क्या भाई साहब, हो गई तसल्ली या कुछ और पूछना है आपको? क्यों सर, उनके क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं बॉस, ये दीपू की मौत के बारे में कुछ पत्ते खोल रहा था। तो मुझे भी कुछ पत्ते दिखा बॉस। इस आदमी को 2 गोलियां लगी, लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों गोलियां अलग अलग कैलिबर की है। ये जो गोली है ये 0.30 कैलिबर की है और ये वाली गोली 0.32 कैलिबर की है। दो हमलावर होंगे सर। हाँ, हो सकता है। सर ये दुबई से वापस आया मुंबई में और फिर इसका खून हो गया। सर ये चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस दीपू के घर वालों से मिलना पड़ेगा, सरलावाड़ी में जाकर। एक बात तो बताइए, आपको कैसे पता चला कि ये दुबई से आया है? कॉमन सेंस। देखो बताता हूँ तारिका, अभिजीत ने पूछा ये कहां से आया है, इसका मतलब कहीं बाहर से आया है। और इस शर्ट पर मेरे को ये दिखाई दिया, ये दुबई का टैग, तो कमर दिया बस। सुनिए जी, आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जी हाँ, सीआईडी से। हम दीपू की माँ से मिलना चाहते हैं, दीपू के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। लेकिन दीपू की माँ अभी भी बहुत सदमे में है सर। चिंता मत कीजिए, हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे। आइए सर, मैं आप लोगों को दीपू की माँ से मिलवा देता हूँ। दीपू के साथ आखिरी बार कब बात की थी आपने? 1 महीने पहले। 1 महीने पहले? अच्छा,
कि दीपू आपको परेशान वगैरह लग रहा था? नहीं जी, अगर परेशान होता तो मुझे जरूर बता देता। कविता जी, कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी कि दीपू के यहाँ आते ही किसी ने उसके साथ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, दीपू दुबई में काम क्या करता था? किसने नौकरी दिलवाई उसे वहां पर? कोई एजेंट था, पर दीपू ने मुझे उससे कभी मिलवाया नहीं। आप नहीं, कोई और जानता होगा उसे है? सुनील ने दीपू को उस एजेंट से मिलवाया था। सुनील? ये सुनील कौन है? हमारे चार का लड़का। आप लोगों में से सुनील कौन है? सुनील? सर, सुनील तो सुबह से कहीं दिखाई नहीं। अच्छा, कहीं बाहर गया क्या? एक मिनट साहब। अरे चिंटू बेटा, आ तो इधर। हाँ सर, ये सुनील का भाई है, इसे पूछो आप। कहाँ है सुनील? भाई तो घर पर नहीं है। कहाँ गए हैं? वो तो आज सुबह ही 2-3 दिन के लिए कांदीवली गए हैं, मासी के घर। अच्छा, आज सुबह 2-3 दिन के लिए सुनील अपने मासी के घर गया है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। सुनील, चीनी मिनी तो ठीक है सुनील बाबू। सीआईडी? अरे कहाँ जा रहे हो सुनील बाबू, चाहे तो पीते जाओ यार। सर मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे चलो ब्यूरो चलो सर, बड़ी अच्छी चाय मिलती है। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर ये सुनील तो बहुत ही जिद्दी है, कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। देखते हैं कितनी देर तक चुप रहता है। साहब, ये सुनील को क्यों पकड़ के लाए आप? इसने क्या किया, क्या कर खाए अकेला गया था ना? दीपू के खूनी के बारे में जरूर कुछ न कुछ तो जानता है, लेकिन बताने को तैयार नहीं है, इसलिए उसे यहाँ पर लेकर आए। मैं बात करूँ? देख लीजिए, करिए। अरे काय के रस्तो? तूने किया ये? तूने किया क्या? हाँ, तूने किया है क्या ये? बोलना। अरे अरे सुनील, दीपू अपना बच्चा था ना, हाँ? उसके खुनी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तूने जे कर माहिते थे सांगून टकते लोकना। अरे हाँ, तेरा भाई अगर होता तो तू ऐसे ही चुप बैठता? असस गप्पा मसला असस का। देख सुनील, अपने चाल में किसी भी आदमी को अगर कुछ होता है तो पूरी चाल उसके पीछे खड़े रहती है। अगर तूने दीपू के साथ कुछ भी किया है तो बता दे, वरना हम सब तुझे माफ नहीं करेंगे। अरे दीपू आने तो भाव असर के होते ना, बचपन में तुम लोग साथ खेले कि नहीं खेले? किसी ने उसको मार दिया और तू कुछ नहीं बोल रहा है? अरे बता दे इन लोगों को तुझे क्या क्या मालूम है, सब बता दे। ऐसे के लिए किया तूने? पैशासाठी केलंस तू हे? सब चाल वाले मिलके हम सब तुझे पैसा देते, पैसा चाहिए ना तुझे? संध्या क्या चाहिए? ये चाहिए,
चूक जाए, गलती हो गई मेरी। मैं तो सिर्फ पैसा कमाना चाहता था, किसी को नुकसान पहुंचाने का मकसद नहीं था मेरा। बताओ सुनील, क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? सर, एक आदमी ने मुझसे कहा था अगर मैं उसे ऐसे लोगों से मिलवाऊं जो विदेश जाकर काम करना चाहते तो वो मुझे कमीशन देगा। तो तुमने दीपू को उस आदमी से मिलवाया? हाँ सर, पर दीपू के साथ ऐसा कुछ होगा मुझे पता नहीं था। सच में सर। कौन है वो आदमी? का फोटो वगैरह है तुम्हारे पास? नहीं, एक दस बेटलो चला, वो एक अंधेरे कमरे में मिला, ठीक से चेहरा भी नहीं देख पाया। उसका कोई कांटेक्ट नंबर तो होगा जिस पे तुम फोन करते हो उसे? हाँ, एक नंबर है 1233323। अब बताओ वो आदमी तुम्हें पैसे कैसे देता था? वो सर, वो बनी पार्क में बेंच के नीचे छोड़ दिया करता था और मैं जाके उठा लेता था। सर, ये जरूर रिक्रूटमेंट एजेंसी की धांधलीबाजी लगता है। जो लोग बाहर देश में जाके काम करना चाहते हैं ये लोग उन्हीं को बेवकूफ बनाते हैं। सर, फोन बता रहा है कि ये नंबर सेवा में नहीं है। ये लो, और कोई तो होगा जो तुम्हारे इस गैंग के बारे में जानता है? नहीं नहीं सर। नहीं कैसे? कोई तो होगा, जरूर होगा। सर, विजू बता सकता है। विजू? विजू कैसे बताएगा? वो मैंने विजू को भी उस आदमी के चक्कर में फंसा दिया। काय? क्यों किया तुमने ऐसा? का केला सर बाबा तू असा? अजी अजी, त्याला दुबईला जायचं होतं, वही आया था मेरे पास। विजय को भी जाना था? अरे परमेश्वरा, ये बात विजय ने तुम्हें बताई नहीं? नहीं सब, उसने कुछ नहीं बताया था, मगर कई दिनों से वो बहुत परेशान लग रहा था। तो आपने पूछा तो होगा उसे? पूछा था सर, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। कल रात विजय कहाँ था? वो अपने दोस्त मुकेश के घर था और सुबह ही घर आया। सुबह ही वापस लौटा, और फिर? और फिर वो जब ही आया सर, उसके हाथ में एक बहुत बड़ी बैग थी। जब मैंने उसको पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसका कोई दोस्त शिफ्टिंग कर रहा है और ये इस बैग में उसका सामान है। पर साहब, ये मुकेश तो एक महीना पहले ही शिफ्ट हुआ था। हो सकता है विजय ने आपसे झूठ बोला हो, वो मुकेश के घर गया ही ना हो। उसके बैग में क्या था कुछ देखा आप लोगों ने? बैग में क्या था सर वो तो पता नहीं, मगर बैग पे कुछ लाल लाल रंग जरूर लगा हुआ था। लाल रंग? खून? सर, कंस्ट्रक्शन साइट पे वो दूसरा आदमी विजय तो नहीं था? हो सकता सर, हो सकता है सबके पीछे विजय ही हो। इसका मतलब आप लोगों का ये कहना है कि ये सब मेरे विजू ने किया? ये तो अब आपका विजय ही बताएगा। आइए। विजू, विजू कहाँ गया? विजू, विजय कहाँ गया? कभी देखो जरा, वो बैग यहाँ पर है क्या? निखिल ऊपर देखो। विजय, विजय, अंदर ऐसा कोई भी बैग नहीं है सर। सर, ऊपर ना तो विजय है और ना ही वो बैग है। सब मेरे विजय ने कुछ नहीं किया ऐसा, खरा संगते तेने काहे नहीं केलो, खरा संगते। ठीक है, मुझे विजू का नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर
मालूम नहीं। तो किससे मालूम है नंबर? दीप्ति को मालूम है। दीप्ति? हाँ। बुलाओ दीप्ति को। दीप्ति, दीप्ति कुठे गेली ही? दीप्ति, 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 विजो, अरे दीप्तीला बघितलं का रे बाबा तू? दीप्ति, अरे रवी, दीप्तीला पाहिलंस का? नहीं। नहीं, कहाँ गई? विजय को देखा क्या? इकडेच होती आता। दीप्ति, संध्या, संध्या, दीप्तीला बघितलं का? नहीं आजी। यही तो थी अभी। दीप्ति, 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 ए दीप्तीला बघितलं का? नहीं का? तुम्ही दीप्तीला बघितलं का? काका, तुम्ही बघितलं का विजयला? नाही बाबा। नाही बघितलं का? दीप्तीला बघितलं का? दोघही नाही दिसले मला। इकडेच होती ती, कुठे गेली? दीप्ती, विजय, गेली कुठे ही मुलगी? दीप्तीला पाहिलं का? ए ए अगं मीना, मीना थांब थांब। हां बोला आजी। अगं दीप्तीला पाहिलंस का? हाँ जी, दीप्ति को मैंने देखा एक डेढ़ घंटे पहले, चौल से जा रही थी। क्या दीप्ति अकेली जा रही थी या उसके साथ कोई और भी था? कोई औरत थी। कौन सी औरत थी वो? सर, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। कुछ याद है आपको, उस औरत ने क्या पहना था, कैसे दिखती थी? कुछ ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी। हरे रंग की साड़ी? अच्छा मीना जी, वो औरत कोई जान पहचान वाली लग रही थी या? नहीं सर, वो पता नहीं, लेकिन हाँ दीप्ति अपने मर्जी से उसके साथ जा रही थी। मर्जी से जा रही थी? देखिए जरा इस लड़की को, क्या आपने इस लड़की को देखा है? आप जानते हैं इसे? इस लड़की के साथ हरे रंग की साड़ी पहनी हुई एक दूसरी औरत भी थी। हाँ सर, मैं इस लड़की को तो नहीं जानता, लेकिन इसके साथ जो औरत थी उसका नाम शांता है। शांता? जी। तो आप शांता को जानते होंगे? जी हाँ, वो हमेशा मेरी दुकान में आती रहती है। अच्छा, कहाँ रहती है वो? सर यही पीछे आशीर्वाद चौल में, 124 नंबर में। मैडम, शांता कहाँ रहती है? सीधा जाके लेफ्ट। ऐसे ही? जी। अरे 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 शांता जी, कहीं बाहर जा रही हैं? चलिए आपको छोड़ते हैं हम यहाँ। सीआरईटी? बैग चेक कर सकती हूँ? कुछ नहीं सर, कपड़े 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 हैं सर, सब सब कपड़ा। अरे वाह, इतने सारे कपड़े! शांता जी, बड़ी लंबी छुट्टी पर जाने की प्लानिंग थी ना आपकी? वो सर, वो तो सर ये देखिए, इतने सारे पैसे भी इनके पास। इतने सारे पैसे आए कहाँ से? वो सब वो सब दीप्ति के जान के बदले में आए ना ये पैसे। वो तो ऐसा कुछ नहीं सर। क्या सही? ऐसे नहीं बताएगी? नहीं 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 मैडम, सब सब सांगती सांगती में। वो दीप्ति को मैंने झूठ बोला था, तो उसके भाव ने उसको बुलाया करके, फिर मैं उसे वहां छोड़ के आई। कहाँ छोड़ आई? जहाँ उन्होंने छोड़ने के लिए बोला था मुझे। बताओ जल्दी।
है यहाँ? कोई है? विजय, दीप्ति कहाँ है? पहले बैग। मुझे दीप्ति को देखना है पहले। वो ठीक है, पहले बैग दे दे। दीप्ति को देखूंगा पहले, उसके बाद ही बैग दूंगा। ए राजू, लड़की को बाल ला। नाना। दीप्ति। नाना। दीप्ति तू जाई तू। नहीं। दीप्ति तुम्हें जाना होगा यहाँ से। नहीं दादा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। दीप्ति करूंगा तू जाई तू। बहुत हो गया तुम्हारा इमोशनल ड्रामा, अब तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला हमारा बॉस करेगा। बॉस? तुम्हारा बॉस कौन है? मैं हूँ विजय। ये सब मैंने ही किया है। क्या ये सब? हाँ मैं। और अब तुम भाई बहन दोनों ही मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमसे भी तो मिलते जाओ। हम लोगों को झूठे सपने दिखा के विदेश भेजते थे, वहाँ जाने के बाद उन लोगों को अच्छी ज़िंदगी नसीब नहीं होती थी साहब, अगर होती थी तो सिर्फ गुलामी की जंजीरें। इसीलिए दीपू भाग के वापस इंडिया आया। हाँ साहब, वो लोग हर वक्त उस पर नज़र रखते थे साहब, इसलिए वो अपनी हालत फ़ोन पर किसी को नहीं बता पाया। दुबई में उसे मारा पीटा भी गया था ना? हाँ साहब, जब वो भागने की कोशिश कर रहा था तब मारा था उसको, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज नहीं आया साहब। वो फिर भागा और वो उस बार कामयाब हो गया साहब। लेकिन साहब, इस बार वो खुद के साथ साथ हमारे खिलाफ बहुत सारे जरूरी सबूत लेके भाग रहा था साहब। हमें डर था कि वो यहाँ ना आ जाए, हमारा भांडा ना फोड़ दे साहब। सर, इसका मतलब दीपू यहाँ सिर्फ खुद के लिए नहीं आया, वो उन लोगों को भी बचाना चाहता था जो इनकी कैद में थे या जो आगे चल के इनके चुंगल में फंसते। दीपू की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, इनके चुंगल में फंसे एक एक आदमी को छुड़ाएंगे। लोगों की गरीबी का नाजायज फायदा उठाते हो, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखा के जिंदगी नरक बना देते हो। तुम शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कानून इसकी सजा तुम्हें जरूर देगा, शायद फांसी। ले जाओ इन्हें। कैसे हो बेटा तुम? ठीक हूँ सर। और विजय, तुमने भी गुनाह किया है, तुम्हारे सामने खून हुआ है लेकिन तुमने पुलिस को बताया नहीं। सर, मैंने ही फोन करके पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि दीपू की लाश यहाँ है। फिर भी गुनाह तो तुमने किया है, वो पैसों का बैग लेकर भाग गए। अगर उसी वक्त पुलिस के पास आ जाते तो ये केस कब का सॉल्व हो गया होता, सजा तो तुम्हें भी होगी। वाकई आज दीपू ने अपने सरलवाड़ी चाल का नाम हमेशा के लिए ऊंचा कर दिया। देखा कविता, तुम्हारा बेटा तो बहादुर है। फिर कभी ये ना कहना कि दीपू तुम्हें छोड़ के चला गया, वो तो अमर हो गया अमर। सच कहा आपने माँ जी, बिल्कुल सच कहा। देखो, अगर दीपू चाहता तो वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता, मगर नहीं, दीपू ने अपने देशवासियों के बारे में भी सोचा जो वहां विदेश में उसकी जैसी गुलामी कर रहे थे। अजी,
वाकई मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। दीपू मेरा बेटा था। था नहीं कविता, है। और सिर्फ वो तुम्हारा नहीं, सारे चाल का बेटा है ना? हाँ, वो हम सबका बेटा है। दीपू सिर्फ अपने लिए ही नहीं जिया, वो दूसरों के लिए भी जिया, और जो दूसरों के लिए जीता है वो हमेशा वीर होता है। दीपू इस देश का वीर था, वीर। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।